अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि इंग्लिश बुक 6th क्लास की है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि पैट्रिक को होमवर्क पसंद नहीं करता था, इसके बजाय वो खेलना पसंद करता था। अब आगे, व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल द एल्फ श्रिकड। श्रिकड हो गया चिखना। और जब मैथ्स की बारी आती है और यहाँ पर पैट्रिक की किस्मत ख़राब है, इल्फ चला कर ये बोलता है कि टाइम टेबल क्या होता है। अब पैट्रिक ने किसको काम करने को दिया है, इस छोटे कद के आदमी को। जो ही मैथ्स की बारी आती है, जो ही वो मैथ का होमवर्क करना स्टार्ट करता है, वो चिल्लाता है। कौन? वो बूना आदमी। वो चिल्लाता है, वो ये बोलता है कि टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। ये एल्फ क्या बोलता है, ये छोटे कद के आदमी क्या बोलता है, हमने ये कभी नहीं किया है। क्या जो ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, फ्रैक्शन ये है, ये हमने कभी नहीं किया। ये किसको बोलता है, पैट्रिक को बोलता है। ये एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि मैंने कभी ये नहीं किया, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन मैंने की नहीं किए हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्व्स No, nothing of human history to them. It is a mystery. Mystery क्या को? Raz. तो human history, इंसानी तवारीख। ये छोटे काल का आदमी, ये एल्फ को human history, यानी इंसानी तवारीख के बारे में कुछ नहीं पता था। और इनके लिए ये एक राज है। किन के लिए? एल्विस के लिए इंसानी तवारीख के बारे में कुछ नहीं पता है, इनके लिए एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो और जो छोटा आदमी यानी एल्फ पहले से ही चिल्ला रहा था और चिल्लाने लगा। ये पहले से ही छोटी छोटी, इसको कोई भी काम होता है ये चिल्लाता था। अब इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो कि मैथ्स क्या है, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पता नहीं है, ये चलाने लगा, जोर और चलाने लगा। ये क्या बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। ये पैट्रिक को बोलता है लाइब्रेरी में जा और मुझे किताबें चाहिए, लाइब्रेरी में जा और मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेकर आओ। छोटे कद का एल्फ जो है ये पैट्रिक को बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेकर आओ और तुम मुझे मदद करोगी इनको पढ़ने में। पैट्रिक को कभी होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, इसको पढ़ना ही पसंद नहीं था। अब ये एल्फ जो है ये इसको बार बार बोलता है कि मुझे डिक्शनरी दो, मुझे यहाँ मदद करो, मुझे गाइड करो। अब क्या बोल रहा है, इसको लाइब्रेरी में जा, किताबें लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ और मुझे मदद करो। एल्फ किसको बोलता है, पैट्रिक को, कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ, मुझे मदद करो इनको पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेग। नेग जो हर टाइम कंप्लेंट करता है और चिल्लाता रहता है। वन वर्ड क्या है, तन करने वाला शख्स, शख्स। और यहाँ ने किसको बोलते हैं इस सेंटेंस में, जो हर टाइम कंप्लेंट करता है और चलाता है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ने। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, जो लिटिल एल्फ था वो एक नेक बन चुका है। क्या बन चुका है, नेक। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। ड्रैग क्या हो गया बेटा, जब हम बिना किसी इंटरेस्ट के काम करेंगे ना, तो इसको हम ड्रैग, इसका क्या बोलते हैं, ड्रैग।
समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग जिसमें दिलचस्पी ना हो। जो पैट्रिक था वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, जैसे इसने पहले कभी ही नहीं किया है, लेकिन वो किसी भी इंटरेस्ट के बगैर काम करता था। कौन? पैट्रिक। पैट्रिक क्या काम करता है इंटरेस्ट के बगैर? इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी जितना इसने पहले नहीं किया था, अब मगर वो क्या करता है, वो किसी इंटरेस्ट दिलचस्पी के बगैर काम करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफड एंड ब्लैरी। पफड़ क्या हो गया? सूजी हुई, ब्लैरी धुंधली। तो पैट्रिक को पूरी रात भर जागना पड़ता है, किस वजह से? एलप की वजह से, क्योंकि वो इसको कंप्लेंट करता, ये करो वो करो। तो पैट्रिक को पूरी रात भर जागना पड़ता था और वो एक थका हुआ था। ये बहुत फर्स हो गया। इसने कभी महसूस नहीं किया था जितना इस रात इसने किया, और वो अपनी सूजी हुई आँखों और नींद से भारी आँखों के साथ स्कूल जाया करता था। बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।